कि इस्लाम में कजिन भाई बहन की शादी अलाउड है, जो गलत है। और एक सच्चे खुदा को इतना पता होना चाहिए था कि करीब के रिश्तों में शादियां नहीं करनी चाहिए। कि अगर आप कुरान पढ़िएगा तो आपको सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 में मिलेगा कि आपको अपनी बहनों से, बहन अपनी बहन जो होती है, अपने एक ही माँ बाप से जो बहन होते हैं, उससे शादी नहीं करना। कुरान अपनी बहनों से शादी करने से मना करता है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि और भी जो आपकी ममेरी बहन हुए, और भी कज़न सिस्टर्स होते हैं, उसके बारे में ये कहता है कि नहीं, आप उनसे शादी कर सकते हैं। तो लोग इस पे सवाल करते हैं, जैसे यहाँ भी सवाल है कि क्यों ऐसा अलाउड है। तो हमको ये देखना चाहिए कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो या अगर हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ेंगे, ये बाइबल मेरे हाथ में, इसमें भी एक पेड़ से यानी कि एडम एंड ईव से ही पूरी की पूरी दुनिया है। या अगर आप भगवद गीता पढ़िएगा, ये मेरे हाथ में भगवद गीता है, इसका भी अगर आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 4 है वर्स नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है मनु द फादर ऑफ मैनकाइंड, मतलब सभी एक ही बाप है सबके, मतलब कि सब एक ही से आ रहे, एक ही पेड़ से आ रहे। तो हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम यही बोल रहा है हमको कि सभी एक ही पेड़ से, मतलब कि एक ही जोड़े से सब आ रहे हैं। तो हर कोई, चाहे आप कितने भी दूर चल जाए, चाहे आप अमेरिका चल जाइए या चाहे आप चाइना चल जाइए या कहीं पर आप चल जाइए, तो हर कोई भाई भाई हो जाता है। एक तो इससे हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये भी साबित हो जाता है, और ये भी साबित होता है कि आप कितने भी दूर चल जाइएगा, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी यानी अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, भगवद गीता का चैप्टर 4 वर्स नंबर 1 के हिसाब से, आप सभी आपके भाई बहन ही हुए एक तरीके से। अपने नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं से वो आपके भाई बहन हुए। तो इसलिए हम ये कहते हैं, हम लोग में इस्लाम में ये माना जाता है कि सबसे शुरू में जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम वो लोग थे, तो वो लोग के एक बार में एक बेटा और एक बेटी होती थी। तो जो बेटा और जो बेटी एक बार में पैदा होते थे उनकी शादी नहीं होती थी, लेकिन उसके अलावा जो होते थे और भी बेटा बेटी जब होती थी तो उनसे उनकी शादी हो सकती थी। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि एक ही माँ और बाप थे, दुनिया में और कोई भी नहीं था, तो आपको इस तरीके से आपको शादी करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं वहां पर तो मजबूरी था, वहां पर तो उस तरह करना पड़ता। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह सुबहान ताला के लिए या ईश्वर के लिए या गॉड के लिए कोई मजबूरी नहीं। वो चाहते तो शुरू में ही 100 पेयर या 200 पेयर या 1000 जोड़े उतारते ताकि सब अलग अलग हो जाते और किसी को भी भाई बहन से शादी करने की उस तरीके से दूर दूर तक किसी को भी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि सभी धर्म ये बोल रहे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हुआ, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, वो सभी बोल रहे कि सभी एक माँ बाप से पैदा हुए हैं, तो आप कितने भी दूर चल जाइए वो आपके रिश्तेदार ही होते, कहीं ना कहीं से वो आपकी बहन ही होते। तो इसलिए ये बिल्कुल कहना बेबुनियाद है कि अपनी बहनों से कोई शादी कर रहे। तो हम अपनी बहन से शादी नहीं करते, बल्कि जो कज़न होते, जो रिश्तेदार होते, वो उनसे शादी करने का इस्लाम में अलाउड है। और अगर आप बोलते कि इस तरह अलाउड नहीं, तो ईश्वर ने क्यों ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे पेयर्स को, बहुत सारे जोड़ों को उतारते ताकि जो भी शादी आप कर रहे हैं वो आपके दूर से दूर तक भी वो आपकी बहन नहीं होती। तो यही हम लोग का यहाँ पर जवाब रहा। दूसरी बात, हम लोगों को ये हमेशा ये देखना चाहिए कि हम लोग इस तरह की वीडियोस में, इस तरह के जो भी वीडियोस है जो हम लोग को आपस में लड़ाते हैं, उनसे हम लोग उनका हम लोग जवाब दें। एज मुस्लिम हम लोग की ये ड्यूटी कि हम लोग उसको जवाब दें। और अगर और भी जो लोग हैं, ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि किसी भी चीज़ को अपने तरफ से या अपने अपने एंगल से सिर्फ उसको ना ले लें, बल्कि हम लोग को ये देखना चाहिए कि धर्म ग्रंथ क्या कहता है। जैसे कि अभी मैंने कहा, ये भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1 में यहाँ लिखा हुआ, ये उसी तरह बाइबल में ये लिखा हुआ है एडम एंड ईव के बारे में। तो इस तरह से हम लोग को ये नॉलेज रहना चाहिए कि स्क्रिप्चर्स क्या करता है, तब इंशाल्लाह हम लोग को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।